तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब साला डे 21 पर एंट्री मार चुकी है और अभी तक क्या इसने कमाई कर ली है भाई, दमदार कमाई इसने अपने खाते में रख ली है। मतलब जो फ्लॉप जो स्कैम वगैरह की जो बातें चलाई जा रही हैं हेटर्स की तरफ से कि भाई साहब जो भी सलार के पास कलेक्शन आ रहा है वो सारा स्कैम है, वो सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है, तो भाई देख कर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कलेक्शन इसके खाते में आ चुका है वही से ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं और सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है भाई। वर्किंग डेज में स्टार्टिंग मंडे ट्यूसडे में थोड़ा सा डाउन माइंड, यानी इस मूवी की कहानी नीचे जाते दिखी थी, लेकिन भाई साहब अब जो है मूवी लय पकड़ चुकी है, दोबारा से कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, क्योंकि हिसाब की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो एक बार के लिए ये दिखाती है कि भाई साहब चाहे 12 तारीख को कितनी ही मूवी क्यों ना आ जाए कल को, क्योंकि साउथ से बहुत मूवी आ रही है, हनुमान आ रही है, उसके बाद गंटूर कारम आ रही है, कैप्टन विलर आ रही है, तो भाई सलार के लिए अब थोड़ी सी तो दिक्कत कल के बाद होने देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल आज तक जो कलेक्शन करते नजर आ रही है वो फाड़ करते आ रही है। भाई क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई सब। कल डे 20 की बात करेंगे पहले, यानी कल तक कितना किसने कलेक्शन कर लिया है, उससे पहले कल सिंगल डे 20 को पूरा स्कैन करेंगे, कल क्या ही कलेक्शन रहा है, कैसा सिनेरियो रहा है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल फुल डे की रही है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट को मिलाकर 16%। नेट इंडिया से कल अर्ली एस्टिमेट है 2 करोड़ के आसपास, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 2 करोड़ 85 लाख, एंड ओवरसीज से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 1 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है। पूरी दुनिया से 3 करोड़ 85 लाख और पहले 20 दिन में ये टोटल नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आ रही है 399 करोड़ 98 लाख, जो स्लाइटली अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 400 करोड़। इसी के साथ ग्रॉस इंडियन कलेक्शन इस मूवी का आते नजर आ रहा है 489 करोड़ और पूरी दुनिया से 715 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है। वॉइस ऑफ द डायनासोर द डार्लिंग प्रभास, जो हिसाब का प्रॉमिस था प्रशांत नील की तरफ से कि हम आएंगे और ब्लॉकबस्टर कमाई लेके जाएंगे, ब्लॉकबस्टर मूवी देखे जाएंगे, एक्शन वायलेंस में एक चीज ऐसी दिखाई जाएंगे कि जहां सिर्फ वायलेंस और एक्शन ही देखने को मिलेगा, और वही होते भी नजर आ रहा है। तो भाई मूवी अच्छी खासी ग्रोथ कर चुकी है, प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल चुकी है, तो दूसरी तरफ जनता तो इसे प्यार दे ही दे रही है। आज डे 21 की बात करते हैं, आज 21 दिन में कैसी क्या ग्रोथ है भाई साहब। ऑक्यूपेंसी 15% के आसपास है, नेट इंडिया से आज 2 करोड़ कमाते नजर आ रही है अर्ली एस्टिमेट, और ग्रॉस इंडियन कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक 2 करोड़ 80 लाख, और पूरी दुनिया से 3 करोड़ 70 लाख ये मूवी कवर अप करते नजर आ रही है अपने खाते में। तो ऐसे में पहले 21 दिन में टोटल वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का आज एंड ऑफ द डे तक हो सकता है 719 करोड़, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 750 करोड़ कवर अप कर लेगी, क्योंकि भाई कल से कैप्टन मिलर चलने वाली है और हनुमान चलने वाली है और गंदूर कारम चलने वाली है। भाई बहुत मूवी एक ही दिन में, इतनी सारी मूवीज, मतलब बिगेस्ट क्लैश चल रहे हैं साउथ की मूवीज में ही, क्लैशेस चल रहे हैं भाई। तेलुगु ओरिजिन से ही आती हैं ये सारी मूवी और वहाँ से ही भाई इतने सारे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। तो सलार को भाई साउथ में तो अब रेस्पॉन्स फुल फाड़ू नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी से ये जितना कलेक्शन कर सकती है बस वहीं से कर सकती है। लेकिन हिंदी में भी एक और टक्कर देने के लिए आ चुके हैं भाई धनुष की कैप्टन मिलर, गंदूर कारम हिंदी में रिलीज नहीं हो रही है, दैट्स वाई कि हिंदी से सलार को अच्छा फाड़ के रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कैप्टन मिलर अच्छा टक्कर दे सकती है हिंदी में, हिंदी रीजन पर। तो क्या होगा भाई साहब, क्या ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, 750 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है सलार का, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।